नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। त्योंथर राजापुर धान खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक की चल रही तानाशाही, किसानों को बिना पैसे नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, सुनिए किसान की जुबानी। राजापुर धान खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक की तानाशाही चरम सीमा पर है। जहां एक ओर प्रदेश सरकार किसानों को सुविधा देने की घोषणा कर रही है, वहीं खरीदी केंद्र की समिति प्रबंधक रात को रुकने वाले किसानों के लिए रहने खाने की सुविधा नहीं दे रहे। किसानों का कहना है, यहां पर बिना जुगाड़ और पैसे हमारा काम नहीं हो रहा, और जब भी हम प्रशासन से शिकायत करने की बात करते हैं तो हमें धान रिजेक्ट कर देने की धमकी दी जाती है। पत्रकारों के द्वारा सूचना देने पर स्थानीय प्रशासन फोन से ही साठ गांठ पर मौके पर ही कोरम पूरा कर देता है। आपको बता दें कि राजापुर धान खरीदी केंद्र एक ऐसी खरीदी केंद्र है जहां पर समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटर अपने सगे संबंधियों के धान को रविवार के दिन भी तौल करवाते हैं, जबकि शासन के आदेश अनुसार शनिवार और रविवार को धान की तौल नहीं करनी है। किसानों का कहना है कि जब भी हम गलत का विरोध करते हैं तो समिति प्रबंधक के दलालों के द्वारा मारपीट करने की धमकी भी दी जाती है। आपको बता दें कि राज्य शासन के आदेश अनुसार 18 साल से कम उम्र वालों से कोई भी काम नहीं कराना जाना चाहिए, लेकिन राजापुर धान खरीदी केंद्र में 18 से कम उम्र के बालकों से भी धान में ठप्पा लगवाने का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ के समिति प्रबंधक को किसी का डर नहीं है। जानकारी के अनुसार किसान की धान तौल करने का वजन 40.650 किलो है, लेकिन समिति प्रबंधक के कहने पर समिति के आदमी 40.900 किलो धान तोलते हैं। वहीं जब रात होती है तो समिति के आदमी तोले गए धान की बोरी से 200 से 300 ग्राम धान निकालकर बेचने की फिराक में लग जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी पाकर मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में सब कुछ कैद करना शुरू किया तो सारे आदमी मौके से धान निकालने वाले तगाड़ी कटोरा को छोड़ 9-2-11 हो गए। किसानों के अनुसार समिति प्रबंधक की तानाशाही इतने जोरों से बढ़ रही है कि बिना रिकॉर्ड में दर्ज किए शासकीय नौकरी वालों को भी रात में चौकीदार बनाकर सोसाइटी में धान की तकवारी करने के लिए तैनात कर दिए। वहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन कागजों में कोरम पूरा करने के लिए सोसाइटी का निरीक्षण तो प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन मौके पर हो रही अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब भी कोई किसान अपनी बात मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तब खरीदी केंद्र में प्रबंधक के चमचों के द्वारा धान न खरीद करने की मांग की धमकी दी जाती है। स्थानीय किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यदि रीवा कलेक्टर, इलोजिया, टीजी या फिर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी किसान के रूप में राजापुर धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे तो समिति प्रबंधक के सारे काले कारनामों का खुलासा हो जाएगा, जिससे आसपास के किसानों की इस समस्या का समाधान हो पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीवा कलेक्टर किसानों की समस्या को लेकर कोई ठोस कार्यवाही करते हैं या एक बार फिर कागजों में ही कार्यवाही की जाएगी। त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आप लोग कहे थे फ्री सेवा है, फ्री सेवा कहाँ? फ्री सेवा है ना, बोरों की ले रहे हैं, बोरा का नहीं ले रहे हैं, ठप्पा के और कांटा किराया, ठप्पा कांटा किराया 100 रुपए कांटा किराया दिया।